हेलो जी, गुड मॉर्निंग। अभी हो गई है सुबह, तो सुबह सुबह हमने चाय दूध पी लिया है, बच्चों को जगा दिया है। तो ये काजल हो रही है तैयार, क्योंकि नहा के आ चुकी है। और अभी मैं इसके लिए बनाऊंगी नाश्ता। तेल पूड़ी बहुत पसंद है, तो हम नाइट को खाना रोटियां एक्स्ट्रा बना के छोड़ देते हैं। तो कल तो मेरा उपवास था, तो इसलिए हमने कुछ मीठा बना लिया, तो रोटियाँ ऐसे ही बच गई थी। तो इसको तेल पूड़ी पसंद है, तो मैं अभी ये बना के दूंगी इसको लंच के अंदर। एक छोटी सी फ्राई ली है और इसके अंदर थोड़ी सी हींग डाल दी है और थोड़ी राई डाल दी है और ये तेल डाल दिया है। अभी ये ऑयल एकदम से गर्म हो गया है, तो अब आप इसके अंदर प्याज डाल दें। प्याज को थोड़ा सा भून लेंगे, थोड़ा सा भूनना ज़रूरी हुआ है, प्याज को टेस्ट अच्छे हुआ है और कच्चोपन निकल जावा ग्राम पे। ये देखो रोटियां का छोटा छोटा टुकड़ा कर लिया है और ये हमारी मसाला दानी है। तो अभी आगे की प्रोसेस में दिखाती हूँ। काजल को बहुत मस्त लगता है ये नाश्ता, इसलिए मेरे को हर सप्ताह में एक बार तो बना के ही देना पड़ता है। काजल को, काजल के पापा को सबको पसंद है। तो आपके घर में भी अगर रोटियां बच जाए और इस तरीके से आप बनाओगे, तो आपके बच्चे भी इस चीज़ के फैन हो जाएंगे, देख लेना आप। तो रोटियां बच्चे ने तो बाबू सदुपयोग कर लेना चाहिए, क्योंकि भाई अनाज है, अनाज को के ठंड और के गर्म के लिए। तो ये देखो अभी अपना तैयार हो जाएगी, तो मैं दिखाऊँ। प्याज हल्का ब्राउन रंग का हो गया, पापा इन गेर देंगे, रोटी सारी डाल देंगा मेरी और अच्छे से आना मिला देंगे। मिला के रोटियाँ थोड़ी देर, ये रोटी एकदम सॉफ्ट हो गया है, एकदम मतलब नरम हो जाए, तो इन बूढ़ा आदमी भी खास खाए, कोई दिक्कत तो नहीं। और अगर खानिया लाग गए कि भाई बच्चा कम मिर्ची खावा है, तो एक अंदर कम मिर्ची डाल दे। और अपना अगर सब्जियां हुआ है, कोई पत्ता गोभी खीरा, तो आप जहाँ पहले तेल डालना, तो भी कोई प्याज का साग भी डाल सका। सॉफ्ट रोटी एकदम सॉफ्ट हो जाए है और बहुत ही स्वादिष्ट लग है। और जहाँ हर चीज़ को इसके अंदर टेस्ट होता है, हमें जो चने होते हैं उसको हम नाइट में भिगो देंगे, जिस दिन बनाना होता है तो वो भी सुबह डाल सकते हैं इसके अंदर। तो बहुत ही अभी एकदम सॉफ्ट हो गई है, स्वाद के अकॉर्डिंग थोड़ी सी डाल देंगे मिर्च, क्योंकि बच्चा ने खाना ही लिए थोड़ी डाला ना। और थोड़ा सा डाल देंगे नमक। ये हो गए दोनों का लंच तैयार, ये हमने भर दिया बोतल, अभी बच्चे जाएंगे, ये दोनों थोड़ा थोड़ा दोनों खा के जाएंगे। दोनों छाराबड़ी के ले जा है लतिका की, अभी फ्रिज में पड़ी है क्योंकि वह थोड़ी लेट जाती है 7 बजे। और ये दोनों की बोतल है, और अभी दोनों गुड़िया तैयार हो गई है। मैं काजल के बाल बना देती हूँ, फिर मैं आगे उसका फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। ये काजल का हो गया फाइनल लुक, और काजल ने नाश्ता कर लिया है और अब काजल जाएगी स्कूल। चलो काजल को छोड़ के आते हैं उसकी वैन तक। की और काजल अभी जा रही है, बाय काजल।